दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य बताएं। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिले के घंटाघर के समीप जिला कलेक्टर के द्वारा देर रात हुए बरिंडा हादसे के बाद पहुंचकर वहां पर स्थानीय लोगों से चर्चा की गई व फिर से जहां के तहां उस गेट को बनाने की बात भी कही गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि फिर से एक बार हम प्रयास करेंगे कि इसको फिर से वही रूप दे सकें, पहले की तरह यह गेट फिर से खड़ा हो सके। वहीं उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से भी चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने जिले में अनेक जर्जर बिल्डिंग के बारे में पत्रकार के सवाल पूछने पर कहा कि सभी पर कार्रवाई नोटिस दिया जाएगा और सभी पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। 3 महीना होगा कि मैं बरंडा की दीवार तो प्रतिदिन छत हट के पहले आदमी में तो छटवाई कल तो उन्होंने जाकर मशीन नीचे भीतर तक खोदी दीवार में जो एक अंदर तक खोद दिया। अब खोदने के बाद बाजू में बाघेराई लगी बामिट्टी ने सरकाई है तो खूब को जो जैसे वो पहाड़ खड़ो है बरंडा को वैसे उस तरफ वो पहाड़ टन का हेलो से चाह खड़ गए लाख वो पत्थर गिरे लाख के आजू बाजू के पत्थर गिरे और फिर बरंडा पूरा पूरे एक बन मैं उसको वहाँ पर हाजिर था मैं बाहर आके दौड़ के आया। उसका मकसद ये था कि इस तरफ से जो रोड है उस तरफ भी मेरी दुकान का मौका खोले, इस तरफ भी खोले, उस तरफ भी ये बरंडा अलग था मेरी दुकान मतलब ये मैं उससे बोल रहा था भैया ये मत खोलो तो ये पिलर जो गया था ये कोई पिलर था ये जो ये पिलर गया था और यहाँ से ये पिलर जाने के बाद में थोड़ा सा वो लॉक उसका खुला पत्थर पर वो 6 फुट 24 बरंडा की दीवार यहाँ फुट फुट निकाल चुका था 3 महीने चलन भैया ये 3 महीने 14 फरवरी से काम लगे खोदे होगा नहीं सब आम जो 10 फुट लेकर जो है खोदे। मैंने उनको बोला कि ये खुल गया है रात में ताकि रोशनी निकली होगी उसने गिराया भी रोशनी आ गई तो उनको खड़ी करके बोला भैया हम हमारी खेती निकालूंगा और मैं बाहर ही नहीं निकाल पाया मुझे सब कुछ चाहिए सर ये भी गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल वो भी गिरने की स्थिति में ही है। वो 1906 के आसपास का बना हुआ है और उसको उसी स्वरूप में मॉडर्नाइज तरीके से उसको डेवलप किया गया तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें पर्यटन विभाग की पुरातत्व विभाग की इन सब की मदद लेंगे और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है कि इसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके खड़ा करें और ये उसी शान से वापस खड़ी हो बिल्डिंग जो कि पहले इसकी शान हुआ करती थी तो ये काम भी हम पैरेलली करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है मतलब ये बात सही है कि हम पुरानी इमारत को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन उसके गौरव को वापस ला सकते कम से कम जो एक दाग लगा है वो काफ़ी हद तक धुल जाए तो इसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और हम इस पर काम करें। सर सराफा मार्केट की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है करीब 4 साल पहले उसको डिसमेंटल करने के आदेश उसको लेकर के हाँ इसके बारे में मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा मैं एक बार नगर पालिका के रिकॉर्ड्स और हमारी चीज़ें देख लेता हूँ यदि कोई बिल्डिंग जर्जर है यदि जर्जर डिक्लेयर है तो उन्हें खाली होना चाहिए अदरवाइज वो जान माल सकती है मुझे एक बार इसका परीक्षण करना पड़ेगा और मैं कल ही इसमें